और एक पूरी टीम है इसकी फूड के हवाले से, 6-7 लोग हमने रखे हुए हैं। जो प्लेट में फूड बच जाता है उसके जो साफ पीस होते हैं उसको वो सेपरेशन करती रहती है, तो रात को फिर जितना भी बच जाता है वो चाहे बुफे का है, चाहे वो प्लेट्स का है, चाहे वो किचन्स का है, वो हम सेव करते हैं अपने चिलर्स में। तो उसकी सुबह प्रॉपर एक रिकॉर्ड बनता है, एंट्री होती है, तो फिर रिस्क जो लम्स के स्टूडेंट चला रहे हैं और उनकी एक टीम आ जाती है सुबह फूड कलेक्ट करने के लिए। लाहौर भर में इस जैसे कई रेस्टोरेंट्स का बचा हुआ ये खाना रिस्कशा नाम की एक रिक्शा सर्विस के जरिए पहुंचता है, एक ऐसे फूड बैंक जहां इसका शिद्दत से इंतजार होता है। हमारे तो बच्चे खा के बड़ा खुश होते हैं, हमने पहले कभी जिंदगी में भी नहीं खाया होता जो हम इधर से खा के अच्छा लगता है। मटन पुलाव होते हैं, चिकन मंचूरियन होते हैं, शाशलिक होता है, चिकन जलफ्रेजी वगैरह, शवारमे, बर्गर, जिंगर, फिर पिज्जा वगैरह होते हैं, हर तरह के बहुत आला खाना होता है। जब वो कम पैसों में देते हैं तो आते हैं, फिर तो कोई भी ना खा सके ऐसे। इतनी जो लाइन लगी हुई है ये इसी वजह से कि कम पैसों में एक अच्छी चीज हमें मिल रही है। खाने को जाया होने से बचाने का ये ख्याल पेश किया 3 साल पहले इस वक्त अपने जमाने तालबे इल्मी में हुज़ैफ़ा, मूसा और कासिम ने। आउट ऑफ गुड फेथ हमने कहा कि हम खाना पिक करेंगे, जिसका भी खाना है हमें अपने फ़ोन नंबर्स हमने फेसबुक पेज पर दिए और वो ग्रो करता करता इतना हुआ कि हमने आफ्टर ग्रेजुएशन भी टुका पर इटअप एज अ करियर। हमारे पार्टनर रेस्टोरेंट्स, केटरिंग कंपनीज, शादियों, सबसे खाना आता है यहाँ, सॉर्ट होता है, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी चेक के बाद इन लोगों को दिया जाता है। ग़िज़ाई किल्लत पर काबू पाने के लिए काम करती ये टीम इस्लामाबाद और कराची में भी कदम रख चुकी है। प्राइस हम एक मुतय्यन करते हैं जो कि बहुत कम प्राइस होती है, 10 रुपए फी बंदे का खाना, ये प्राइस होती है। इसका सिर्फ एक ये मकसद होता है कि हम डिग्निटी और रिस्पेक्ट लोगों में चाहते हैं कि वो हो, वो खाने को ओन करें और मजीद खाना जाया ना हो। फुली 10 सालों में 2500 फूड बैंक पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों में बनाना चाहते हैं और इंशाल्लाह ग्लोबली एक्सपेंड करना चाहते हैं इस मॉडल। इस कार खैर में नौजवानों के साथ बहुत से मुखैर हसरात भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। लोगों की जानिब से आने वाली ताज़ा खाने की देगों को मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाया जाता है और राशन की तकसीम में भी इन्हें लोगों का तावन हासिल है।